सीरीज और पैरेलल की प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे मान लो आपको ये बैटरी गिवन है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस लें या ना लें, ठीक है? तो अगर नहीं बोला तो ना लें, तो ये वी लो ई लो कोई फर्क नहीं, अगर बोला है तो फिर लेनी पड़ेगी, इसमें नहीं बोला सिंबल भी नहीं बनाया तो नहीं लेंगे। तो ये बैटरी 60 वोल्ट की है, कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है, आपको वोल्टेज ड्रॉप वी निकालना है किसमें, आर वन में। तो सबसे पहले हम ऐसे कैपेसिटर्स में भी करते थे, सबसे पहले ये दो किसमें हैं, इन सीरीज। तो कैसे चेक होता है, वैसे तो पता लग ही रहा है, पर फिर भी अगर करना है तो इमेजिन करें कि ये जंक्शन V1 पे है और ये जंक्शन V2 पे है। तो अगर ये V1 V2 पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना है, V1 माइनस V2, और यहां पे जो करंट जाएगा वो करंट इसमें ही जाएगा, सेम ही करंट। तो करंट सेम है, करंट सेम होने का मतलब क्या है, सीरीज में, ठीक है? तो अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊं तो 10 और 5 15 हो गया, तो यहां का पोटेंशियल अगर V1 है, यहां का V2 है, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2, और यहां का भी कितना है, V1 माइनस V2, इसलिए दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। ठीक हो गया यहां तक? तो इसके अंदर ये सीरीज है तो 15 और ये पैरेलल में, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 15 × 10 / 10 + 15 = 6। तो ये डायग्राम बन गया। अब ये और ये किसमें है, इन सीरीज है, तो टोटल आंसर क्या आएगा, करंट का 60 / 18 + 6 = 2.5। तो टोटल करंट आ गया 2.5, वो करंट इसमें भी जाएगा, तो R1 के अंदर V की वैल्यू क्या होगी, 2.5 × 18, V is equal to IR, आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे सोचने आपने इसमें, ठीक है? इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि दो स्क्वायर प्लेट्स हैं A एंड B, दो स्क्वायर प्लेट्स हैं और इसमें थिकनेस इनकी सेम है एंड मटेरियल भी सेम है, मटेरियल सेम का मतलब रो की वैल्यू सेम है इसमें, द साइड ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, तो अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ 2L है, ठीक ऐसा है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, आपको रेशियो निकालनी है दोनों के रेजिस्टेंस की, स्क्वायर है ये, तो ये मान लो मैंने बाहर निकाल ली, ये रिवायर, ये एल है, ये भी एल है, स्क्वायर है फर्स्ट वायर, करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, तो कितनी लेंथ कवर करेगा ये करंट, एल एल एल, और कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एंटर करेगा, ये भी एल है क्योंकि स्क्वायर है, एल इंटू मान ले थिकनेस पीछे की डी है, तो एल इंटू डी क्या हो गया इसका एरिया, डी इमेजिन कर ले थिकनेस, तो रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर की क्या होगी, रो एल बाय एरिया, एरिया एल इंटू डी, और दूसरी वायर में क्या होगा, लेंथ डबल है तो एरिया भी पीछे से डबल होगा, तो ये ए वायर की रेजिस्टेंस है, ये बी की रेजिस्टेंस है, दोनों की रेशियो निकालनी है, आंसर 1:1। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसे, जैसे इसे बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन है, या पहले इस क्वेश्चन से भी पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता है कि ये 5 ओम है या 10 ओम है, और सपोज ये स्विच है, अब वो क्या कह रहा है, जब स्विच ओपन है ऐसे ही है तो बताओ इसमें कितना करंट होगा, जब स्विच क्लोज कर दिया दबा दिया तो बताओ इसमें कितना करंट होगा, ये क्वेश्चन है, जब स्विच ओपन है ऐसे ही है तो इसमें करंट तो जा नहीं सकता, सारा का सारा करंट सीधा जाते हुए यहां यहां पे ऐसे हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, 10 और 5 मिला के 15, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 3/15, आंसर पहला केस। लेकिन अगर मैंने स्विच को दबा दिया तो इसका कनेक्शन बन गया, इस वायर की रेजिस्टेंस क्या है, 0 है ही नहीं रेजिस्टेंस, तो जो करंट यहां पे आएगा इस जंक्शन पे डिवाइड होने की कोशिश करेगा कि कुछ इधर, और करंट वो रास्ता फॉलो करता है जिसमें रेजिस्टेंस कम मिलती है उसमें ज्यादा करंट जाता है, अब जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रही सारा का सारा करंट यहीं से चला जाएगा और इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि एक ऐसा इस प्रोसेस या इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, तो आपने इस रेजिस्टर को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, आपने शॉर्टकट बना दिया और करंट जो है वो बाईपास हो गया बाहरी बाहर। तो अगर दो वायर्स हैं, करंट को डिवाइड होना है दोनों में, तो ज्यादा करंट जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी, जिसमें रेजिस्टेंस और कम होगी और ज्यादा जाएगा, और कम होगी और ज्यादा जाएगा, होएगी नहीं सारा उसमें निकल जाएगा, तो
तो इसमें सारा करंट इसमें निकल जाएगा, तो इसमें लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं, इसमें करंट ही नहीं है, तो आपका करंट सारा यहां से होता हुआ ऐसे चला गया। अब करंट क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 बाय 5, ठीक, कैसे सोचते हैं समझ में आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि सपोज करो आपके पास ये एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है ये, तो करंट जो है वो पॉजिटिव से जाएगा, यहां से होता हुआ यहां आ जाएगा, बात हो गई खत्म। ठीक, मैंने क्या किया, एक वायर ली, यहां से जोड़ते हुए एक रेजिस्टेंस यहां लगा दी हवा में ऐसे, तो मान लो 2 ओम की रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दी हवा में 3 ओम की रेजिस्टेंस, तो क्वेश्चन है 3 ओम में कितना करंट जाएगा। अब जब करंट यहां से आएगा, यहां पे आएगा, जंक्शन आएगा, चलो पहले यहां से शुरू करते हैं, करंट यहां से आएगा, करंट ऊपर जाएगा, पहले ये जंक्शन आएगा, तो करंट 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, कुछ इधर कुछ इधर, तो मान लो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसमें करंट जो जाएगा वो आई से कम जाएगा, कुछ यहां लॉस हो गया इसका, फिर जो करंट यहां से आएगा कुछ इसमें चला जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, लॉजिकली स्पीकिंग जंक्शन है, तो करंट और भी कम हो गया यहां पे। अब बैटरी कहती है मैं अलाउ नहीं करूंगी ये चीज, क्योंकि बैटरी ने कहा था कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट बाहर निकाल रही हूं, तो मुझे एंट्री पे भी कितना करंट चाहिए, आई, तो ये गलत होगी कैलकुलेशन, क्योंकि उन वायर में करंट चला गया तो फिर आई करंट तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि चला तो गया, आने का तो रूट ही नहीं है, तो जाने जाने का रूट है। तो रूल नंबर 1, जब एक वायर ऐसे ओपन होगी और सर्किट के अंदर सेल मतलब कनेक्टेड नहीं होगी, बस एक एंड कनेक्टेड है, एक लूज एंड है, इसमें करंट ही नहीं जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि करंट यहां से यहां जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि लूज एंड है, और यहां से होता हुआ पूरा आई करंट वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर उन वायर में करंट चला गया तो बैटरी को आई करंट मिलेगा नहीं, किरचॉफ का लॉ, सारे लॉस खत्म हो जाएंगे, और वैसे भी प्रैक्टिकली जाता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं आगे ऐसे, हाँ फिर जाएगा, फिर यहां करंट डिवाइड होके घूम के वापस आएगा, क्योंकि बैटरी को पता है अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, सर्किट क्लोज है, तो घूम फिर के वापस करंट कितना आना है, आई करंट ही आना है, लूज वायर्स में करंट नहीं जाता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या निकालना है, ए और बी में निकालना है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इमेजिन करना है, देखो इसमें ना मतलब ये ना कहे कि कोई कि कैसे ऐसे कैसे हो गया, इमेजिन ये करना है कि सपोज यहाँ ए और बी में आपने कोई बैटरी लगाई होगी, इमेजिन करना है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी में, इमेजिन करें किसी ने यहाँ बैटरी लगाई ए और बी में और यहाँ से करंट की एंट्री हो गई आई, इमेजिन करना है, और घूम फिर के यहाँ पे करंट बी में भी कितना एग्जिट होना चाहिए आई, क्योंकि जो एंट्री है वही एग्जिट होगा बी पे। अब जो करंट यहाँ पे आएगा नो डाउट वो ऐसे जाएगा, जो करंट यहां पे आएगा देखो वो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार यहां चला गया एंड सड़क क्लोज होगी, जैसे सड़क क्लोज हो गई डेड एंड हो गया, तो वापस कैसे जाएगा, तो करंट को तो बी पे पहुंचना है, तो सारा करंट यहां से होता हुआ यहां जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि एक बार चला गया वापस तो आएगा नहीं, तो यहां से होता हुआ सारा यहां पहुंचेगा। तो अगर मैंने ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो इन 2 वायर्स का लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनमें करंट जाएगा ही नहीं, तो आपका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है, जितनी लूज तारें दिखेंगी ऑब्जेक्टिव्स में सब उड़ा देनी है, चाहिए ही नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, ये तीनों किसमें है, इन सीरीज, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 30 और 10 किसमें है, इन पैरेलल, तो 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30, 30 बाय 4, ये तीनों किसमें है, इन सीरीज, आंसर। लेकिन अगर मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और सी में निकालनी है तो ए में एंटर करेगा करंट, सी में बाहर निकलेगा, अब बी में कोई वायर में करंट जाएगा नहीं और ना ही डी में जाएगा, तो आपका डायग्राम ये बन जाएगा, क्योंकि अब ए से एंटर करके सी पे बाहर निकालना है तो ऐसे केस में इनमें तो जाएगा ही नहीं, तो अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, 20 10 प्लस 10 20, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, 20 20 और 20 पैरेलल में, 10 10 10 और 10 सीरीज में, आंसर 30 आंसर। क्लियर है यहां तक, कैसे सोचना है इसमें, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है किसमें, ए और बी में,
तो ये ए है और ये बी है, तो अगर ये ए है और ये बी है तो ये समझ, देखो इसके अंदर ये जो वायर क्रॉस हो रही है वो ऐसे हो रही है कि ये एक सिंपल वायर है और ये वायर इसके ऊपर से आ रही है बिना टच किए, बिना टच किए। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो तो यानी कि इसमें टच हो रही है और करंट जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा, इसमें करंट जो इस वायर में है वो इस वायर में जाएगा, जो इस वायर में है वो इस वायर में जाएगा, राइट। तो आप एक चीज बताओ कि जो करंट इसमें सेम है तो दो और दो किसमें हो जाएगा, इन सीरीज, दो और दो किसमें हो जाएगा, इन सीरीज। अब अगर ये VA है और इस वायर की रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये VA तो ये भी VA हो जाएगा। देखो अगर वायर की रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों एंड्स का V सेम होता है, और अगर ये VA तो ये VA, VB, 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 इसकी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब देखो इसके अक्रॉस ये 4 ओम के अक्रॉस VA माइनस VB, इस 4 ओम के अक्रॉस VA माइनस VB, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, इन पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो क्या करेंगे, ये दो का दो ऐसे लिख लिया, ये दो का दो ऐसे लिख लिया, टू और ये टू और टू सीरीज में, ये टू और टू सीरीज में, और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में, देखो ये और ये दो कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो ये क्या बनेगा, टू प्लस टू फोर, टू प्लस टू फोर, तो टू फोर फोर टू किसमें, इन पैरेलल, आंसर आर इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर है यहां तक? लेकिन इसमें ये डायग्राम तो गिवन है, तो इसमें जो करंट आएगा वो इसमें जाएगा, तो ये सीरीज में क्योंकि करंट सेम है, ये सीरीज में करंट सेम है। अगर ये जंक्शन VA पे तो ये भी VA पे क्योंकि इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी VA पे क्योंकि इतने पोर्शन की भी रेजिस्टेंस नहीं है, VB, VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस सेम नहीं है। चार ओम और चार ओम पैरेलल में, चार ओम और चार ओम। लेकिन अगर मान लो ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को और ये जंक्शन बन गया, अब करंट यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ का पोटेंशियल कॉमन V नॉट हो जाएगा, कुछ भी V नॉट ले लो, कुछ भी ले लो, V1, V डैश, कुछ भी। तो इसके अंदर अब ये सीरीज में नहीं रहेंगे क्योंकि करंट इन दोनों में सेम नहीं होगा, जो भी करंट आएगा वो सभी वायर में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये दोनों सीरीज में नहीं, ये दोनों सीरीज में नहीं, लेकिन ये वी ए तो ये वी ए, ये वी बी तो ये वी बी सेम, और ये वी नॉट, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए माइनस वी नॉट, और यहां पे कितना है, VA माइनस V नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में एग्जैक्टली सेम, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसे इसमें इसमें सेम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 4 का 4, 4 का 4, ये दोनों पैरेलल में तो आंसर 2, ये दोनों पैरेलल में तो आंसर 2, 2 और 2 सीरीज में तो आंसर 4, 4 4 4 पैरेलल में तो आंसर 4/3। कौन पैरेलल कौन सीरीज समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब इसके बेस पे सब्जेक्टिव शीट नंबर 19
देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन अगर आपने ट्राई किया हो तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन में क्या गिवन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन वन मिनट, इलेक्ट्रॉन्स निकालो इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। अगर आपको करंट पता है, टाइम पता है, तो आपको चार्ज पता है, चार्ज पता है तो चार्ज की वैल्यू आ गई। चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, क्यू डिवाइडेड बाय ई आंसर आ गया। तो मेथड समझ में आ रहा है सबको क्या लगाना है इसमें, ठीक है? तो पहले करंट और टाइम से चार्ज, चार्ज इज एन ई, वहां से एन आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर टू, करंट 10 एम्पियर का है मेंटेन्ड इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, आई पता है, एरिया पता है, इफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन हमने किया था वीडी इज इक्वल टू आई बाय एन ए। आपको आई पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है, एरिया पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, यहां से वीडी कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो। वायर 1 मीटर लॉन्ग एल, डायमीटर गिवन है तो रेडियस गिवन है तो क्रॉस सेक्शन पता है पाई आर स्क्वायर, एरिया तो पता लग रहा है आर इज रो एल बाय ए, फॉर्मूला लगेगा। और क्या निकालना है आपको, रेजिस्टिविटी निकालनी है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यहां से रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला, तो आपको एरिया क्या पता है पाई आर स्क्वायर, आर को क्या लिखेंगे डायमीटर बाय टू, तो पाई डी स्क्वायर बाय फोर, बस आंसर आ गया। आपको एरिया पता है, लेंथ पता है, रेजिस्टेंस पता है, यहां से रेजिस्टिविटी कैन बी कैलकुलेट। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है समझ में आ रहा है, ठीक है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर फोर में ये गिवन है अ वायर जिसका आपको मास गिवन है, जिसकी आपको रेजिस्टेंस पता है, जिसकी रेजिस्टिविटी पता है, तो फॉर्मूला आर इज रो एल बाय ए पक्का लगेगा, राइट। कैलकुलेट लेंथ एंड रेडियस, और आपको डेंसिटी भी पता है, देखो आपको मास पता है, डेंसिटी पता है, वहां से वॉल्यूम पता है। सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल इंटू ए। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको पहली क्वेश्चन क्या लगानी है, आर इज रो एल बाई ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन में ना एल पता है ना आर पता है, दो वेरिएबल्स हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसमें जो मास है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वायर की पाई आर स्क्वायर एल इंटू डेंसिटी। अब यहां से काम करेंगे ये सेकेंड इक्वेशन, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से आर स्क्वायर से कैंसल एलिमिनेट हो गया और अननोन लेंथ एल रह गई, तो आर पता है, एम पता है, रो पता है, डेंसिटी पता है, एल आ जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है, पहले आप ये फॉर्मूला लगाएं, फिर आप मास से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लगाएं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, दो वेरिएबल है, इन्हें डिवाइड कर लें, इन्हें डिवाइड करेंगे तो एल से एल कट जाएगा, आर आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो एल आ जाएगा। एक बार आपके पास अगर एल आ गया, आप एल को जहां मर्जी पुट कर लें, यहां पुट कर लें, तो यहां पुट करेंगे तो आपके पास अपने आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की। पर दो कौन से फॉर्मूलाज लगने हैं ये समझ में आ रहा है, कैसे अप्लाई करने हैं फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन को छोड़ दें, ठीक।
ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है कार्बन वाला, येलो वॉयलेट ब्राउन और गोल्ड। तो जो येलो है उसका कलर कोडिंग में 4 होता है और वॉयलेट का नंबर 7 होता है, मल्टीप्लाई बाय ब्राउन का 10^1 होता है और गोल्ड के लिए 5%। इतने ओम्स आंसर है किया था। आपको इसमें क्या निकालना है, 5 रेजिस्टर्स आपको इसमें गिवन है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी में। जैसे ये है, आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है किसमें, ए और सी में। ओके, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक काम किया करो, ए और सी ऐसे खींच लिया करो, जस्ट अपने आप को समझाने के लिए कि आई करंट आया था यहां एंटर करेगा और यहां एग्जिट करेगा, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें ये दोनों किसमें, सीरीज में, ये दोनों किसमें, सीरीज में, और आपस में कॉम्बिनेशन किसमें, इन पैरेलल में। तो इसके अंदर आप चेक करो, ये दोनों सीरीज में, 9 और 5 सीरीज में ऐड करो 14, और ऐसे ही 3 और 7 सीरीज में, तो क्या आएगा 10 10 10 14 किसमें, पैरेलल में। तो सॉल्व कर लेना आंसर 70/90। मैं होमवर्क दूंगा इसके ऊपर, अभी मैं सिर्फ ट्रिक सिखा रहा हूं, इसके ऊपर 30 क्वेश्चन है आपको करके आने हैं वो, ठीक, नेक्स्ट शीट के अंदर अभी दूंगा होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने क्या सिखाया, आप ना ए और बी में लाइन खींच लिया करो कि करंट ए में जाएगा और घूम के बी पे आएगा। तो यहां से शुरू करें, 3 और 3 किसमें, इन सीरीज, तो क्या आएगा 6 6 और 6 किसमें, पैरेलल, क्या आएगा 3 3 और 3 सीरीज में, क्या आएगा 6 6 और 6 पैरेलल में, तो 3 3 और 3 सीरीज में, 6 6 और 6 पैरेलल में, 3 3 और 3 सीरीज में, 6। अब ये 6 और ये 3 आपस में इन पैरेलल में, क्योंकि पूरे को सॉल्व करोगे 6 आएगा, 6 और 3 पैरेलल में, आंसर 2 ओम आएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्राइंगल गिवन है, एक सेल गिवन है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन, आपको इसमें निकालना है करंट थ्रू दी सेल, सेल में से कितना करंट बाहर निकला। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो करंट यहां से आएगा वो ऊपर भी जाएगा और यहां भी जाएगा, तो जो करंट यहां से आएगा वो किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो 3 30 और 30 सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा 60, ये क्या है 30, तो 60 और 30 किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ठीक, पैरेलल। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, 2 वोल्ट है और 20, तो करंट कितना आएगा 2/20, यानी कि 0.1 इज द आंसर, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 12/12 की सब रेजिस्टेंसेस गिवन है और ये बैटरी 9 वोल्ट की है, आपको बताना है हर रेजिस्टर में कितना करंट है। सबसे पहले ये किसमें है, पैरेलल में, आंसर आएगा 3, ये सब पैरेलल में 3, ये सब पैरेलल में 3, तो टोटल करंट क्या आएगा 9 / 3 + 3 + 3 यानी कि 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट डिवाइड होगा इन सब में, अब पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और अगर रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 एम्पियर 1/4 1/4 1/4 और 1/4 एम्पियर में, फिर मिल जाएगा 1 एम्पियर, फिर 1/4 1/4 1/4 और 1/4 में, तो हर 12 ओम में क्या है, 1/4 है, ठीक है यहां तक। तो कैसे करना है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक लेटर ए को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ए लेटर है, ये रहा ए, और इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम/cm, यानी कि 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है गिवन है, ठीक। साइड ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लंबाई 20 सेंटीमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 20 सेंटीमीटर की 20 ओम है, तो ये 20 ओम है, ये भी 20 ओम है। आगे मिडल के अंदर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, तो ये 10 ओम है, 20 20 10, क्योंकि ये मिडल में लगी हुई है 20 के, तो उसको डिवाइड करो, तो 10 और 10 10 10 10 10 और 10, और बैटरी लगी हुई है ई जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल 3.33। आपको इसमें निकालना है हर वायर में करंट क्या होगा, तो सबसे पहले जो करंट इसमें जाएगा वो घूम के इधर आएगा, तो ये दोनों किसमें, इन सीरीज, 10 और 10 सीरीज में, तो क्या आएगा 20, ये 10 एज इट इज, ये 10 और 10 एज इट इज, और ये बैटरी, तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्लियर है।
इसके अंदर 20 और 10 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू 20/3, 20/3, तो ये डायग्राम बन गया। अब इसमें टोटल करंट बैटरी बाहर क्या निकालेगी, 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20/3 प्लस 10 प्लस 1.33, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सॉल्व करके करंट क्या आ गया, 0.5। अब यहां से करंट जो आया 0.5 आया, एंड 0.5 निकला तो यहां भी 0.5 आएगा, तो यहां पे एक आंसर आ गया 0.5, 0.5। ठीक, हर वायर में करंट निकालना है, यहां पे करंट कितना है 0.5, तो यहां पर V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू I इनटू R, इन्हें मल्टीप्लाई करो, 20/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.5 से। अब ये जो 0.5 होता है वो होता है 1/2, तो आंसर क्या आएगा, 10/3। ठीक हो गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपको करंट यहां पे V की वैल्यू क्या पता लगी, 10/3 वोल्ट। अगर यहां पर V 10/3 वोल्ट है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये रेजिस्टर किसका बना हुआ है, ये रेजिस्टर बना हुआ है 10/3 वोल्ट वाला, इन दोनों का कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहां पर 10/3 वोल्ट हो गया, यहां पर भी 10/3 वोल्ट हो गया, क्योंकि पैरेलल में V की वैल्यू रिमेन्स सेम, तो V सेम दे दिया हमने। अब इसमें करंट क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R, तो आंसर क्या आएगा यहां पर, 10/60, 1/6 एम्पियर। इसमें क्या होगा, 10/3/10, तो कितना आएगा, 1/3 एम्पियर, करंट आ गया आंसर। ठीक है यहां तक? इसको करने का और भी तरीका है, इसमें करंट क्या गया था 0.5 एम्पियर, और ये इन दोनों से बना हुआ है, तो 0.5 एम्पियर डिवाइड होगा I1 I2 में, आपको करंट निकालना है। तो इसका करने का ये भी तरीका है, मैंने अलग बना लिया डायग्राम, अगर 0.5 एम्पियर करंट आ रहा है और इसमें डिवाइड करना है, मान लो इसमें I1 इसमें I2, तो V की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, तो इसमें V क्या रहेगा I1 into 10, इसमें V क्या रहेगा I2 into 20, तो I1 I2 की रेशियो आ गई। टोटल करंट 0.5 है, तो I1 क्या आएगा 2/2+1 × 0.5, I2 क्या आएगा 1/2+1 × 0.5, ऐसे भी कर सकते हो, जो मेथड पसंद है वो लगा लेना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि क्या क्लिक करता है, उस पर डिपेंड करता है, तरीके दोनों ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसके अंदर अभी किया, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में वाला क्वेश्चन, इसमें बस एक्स्ट्रा ये निकालना है कि बैटरी कितना करंट बाहर निकाल रही है, और ये बैटरी की क्या गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों पैरेलल में 1 और 1, 1 और 1, और ये 1 और 1, तो एज इट इज, तो ये दोनों पैरेलल में तो क्या लगेगा इसमें 0.5, पैरेलल में 0.5, दोनों सीरीज में, तो ये तीनों के तीनों किसमें, पैरेलल में, तो सॉल्व करके 1/3 आएगा। टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे ठीक, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आती है, करंट तो फिर निकल ही जाएगा। टोटल मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने थ्योरी में भी की थी, तो सेम कॉन्सेप्ट है, मिलते जुलते क्वेश्चन में आपको दूंगा करने के लिए होमवर्क, उसमें ट्राई करना। क्वेश्चन है, बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, करंट 0.5 एम्पियर है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम है, केस नंबर 1। फिर वो कहता है करंट 0.25 हो गया जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 है, ये रहा, तो बताओ ई और आर क्या है इसका, बैटरी का। इसमें करंट क्या होगा, 0.5 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 12 प्लस R, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें क्या होगा, 0.25 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 25 प्लस R, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, R और E की वैल्यू आ गई, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, और ये 3, 4 और 6 है, आपको हर में करंट बताना है क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 4/3, बैटरी 2 वोल्ट की है, इंटरनल पता है, तो करंट क्या निकलेगा, करंट निकलेगा ईएमएफ 2/4/3+2/3, तो टोटल करंट क्या आ गया 1 एम्पियर। तो अगर ये 1 एम्पियर है तो इसमें वी कितना डेवलप होगा, 1 × 4/3, 4/3 वोल्ट,
गलती से 2 वोल्ट मत बोल देना, क्योंकि यहां इंटरनल है, अगर इंटरनल ना होती यहां पे फिर आंसर 2 वोल्ट था, फिर तो एज इट इज 2 मिल जाना था उसको, पर इंटरनल की वजह से यहां पर कम होएगा, तो करंट निकाल के करना पड़ेगा वी इज इक्वल टू आई आर। अब क्योंकि ये रेजिस्टर किसका बना हुआ है, इन तीनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सब में वी की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो ये 2 वोल्ट थोड़ी ना देगा, 2 से कम देगा, कितना देगा 4/3, 4/3, 4/3, तो इसमें करंट क्या होगा 4/3/3, इसमें करंट क्या होगा V/R, V/R, करंट की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालनी है किसमें, ए और बी में, तो पहले ए पे एक लाइन खींच ली मैंने, इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये वी है तो ये जंक्शन भी वी पे है, और ये वी है तो ये जंक्शन भी वी पे है, और ये जंक्शन कुछ अलग वी नॉट पे है, तो मुझे पता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-V0, 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 और इसमें V नॉट माइनस V भी अलग है, तो कम से कम ये तो पता लग रही है तीनों किसमें, इन पैरेलल, तो 6R, 6R, 6R पैरेलल में, और जो आंसर आएगा बचे हुए R के साथ इन सीरीज में, तो इन्हें पैरेलल में लगा के आंसर 2R, 2R और R सीरीज में, तो आंसर 3R, ठीक है यहां तक। ये तीनों हमने कैपेसिटर में किया था वीट फोन भाई, तो ये किसमें, पैरेलल में, नहीं तो ऐसे कर लो, अगर ये जंक्शन V पे तो ये भी V पे, अगर ये V नॉट पे तो V नॉट पे, पोटेंशियल डिफरेंस V-V0, 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 तो तीनों किसमें, इन पैरेलल में, तो कभी भी ऐसा डायग्राम दिखे, कैपेसिटर में भी किया था, सीधा क्या करना है पैरेलल में, ठीक। इसके बेस पे शीट नंबर जो भी आपको मिली है एक बार चेक करना क्या मिसिंग है या है इसमें, कोई कह रहा था मिसिंग है इसमें, शीट नंबर सब्जेक्टिव 19th के बाद 20 मिसिंग लग रही है मुझे, नहीं है, मैं फिर व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, आप फिर वहां से एक बार इस, अच्छा 21 देखें एक मिनट, है 21 है, 21 कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, 21 नंबर शीट होमवर्क है आपका, 21 नंबर शीट होमवर्क करके आना है, राइट, ठीक है 21 नंबर शीट।